सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में फिर से आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, क्योंकि एल्डर सीज़न में भी था मैं, अभी बच्चों का सीज़न है और ये सीज़न बहुत स्पेशल है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कुदरत ने, भगवान ने जो टैलेंट दिया है उसका अगर किसी को डिस्प्ले करने के लिए एक मंच मिलता है तो नथिंग बेटर देन स्टेज लाइक दिस। और छोटे बच्चे हैं, उनको गाते हुए सुन के ऐसा लगता है कि सचमुच गॉड एग्जिस्ट, भगवान इस दुनिया में है, ये समझ में आता है। और बच्चे गांव-गांव से, कहीं कहीं से आते हैं, उनका जो टैलेंट है, जो उनको जो सीखे हैं, थोड़ा बहुत सीखे हैं, क्योंकि मतलब सभी बच्चे 7 साल 8 साल 10 साल ऐसे उम्र है उनके, तो इससे बड़ा एक मंच हो ही नहीं सकता है जहाँ पर उनको एक्सपोजर मिले और लोग उनका गाना सुने और पूरी दुनिया उनको आशीर्वाद दे। देखिए सारे गामा पा लिटिल चैंप्स, आपने सवाल जो किया है उसमें मैंने एक नोट किया, आपने बड़ा वजन दिया एक शब्द पर, वो शब्द आप जानते हैं आपने अभी क्या बोला है, बच्चों पर। लेकिन बच्चा, ये आपको हैरानी होगी सुनकर, अभी हम ऑडिशनिंग कर रहे हैं, एक तो ओरिजिनल टैलेंट आया हमारे पास। ओरिजिनल टैलेंट मतलब आप भी जानते हो, कभी कभी कुछ शोज में आप अलग अलग शोज में वही सिंगर देखते हो, लेकिन ये एकमात्र शो है जहाँ एक एक बच्चा आउटस्टैंडिंग सिंगर है, कमाल का सिंगर है, लड़का और लड़की, और इस शो को इतना लोग देखेंगे, इतना पसंद करेंगे, ये सिर्फ दावा या बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि भाई अनु मलिक इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, अपने शो की प्लग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे लगता है जब ऐसी बातें कोई करता है उसके बाद शो तो देखा जाता है, बच्चों को सुना जाएगा। और हिंदुस्तान, मैंने बार बार कहा, एक महान देश है। मैं जब बहुत छोटा था मैंने कहा था ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, 20 साल की उम्र में मैंने गाना बनाया था, 21-22 साल का होऊंगा, मुझे लगता है मुझे अनुमान हो चुका था कि ये वाकई ऐसे कलाकार हैं हमारी गली गली चौबारे में। अभी देखो एक लड़की आई है, छोटी सी बच्ची, वो गाना शुरू करती है, जब वो आती है तो ऐसा लगता पता नहीं क्या गाएगी, और उस वक्त जो उसने ताने लिए हैं हमने और शंकर महादेवन ने, जो बहुत बड़े महान गायक हैं, उन्होंने कान पकड़ लिए, हमने सबने कान पकड़ लिए, तो ये बच्चे नहीं है, धुरंधर है। सारेगामापा लिटिल चैंप्स एक इतना पुराना शो है और वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज इन आर कंट्री। इस शो ने इतने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म से इतने बच्चों ने अपना करियर बनाया है और आज वो सक्सेसफुल म्यूजिशंस हैं। मुझे इस शो की, इस मंच की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो पर इफ़ यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी आप घर बैठे रह जाएंगे। सो आई थिंक इस शो ने बहुत बच्चों को पहचान दी है, इतने सपनों को सच किया है। सो आई फील लाइक एवरी चाइल्ड हु इज़ कमिंग ऑन दिस शो इज़ वेरी स्पेशल एंड डियर टू अस। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर मेकिंग इट इन द शो बट देर आर अ फ्यू जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस साल, पर उनको, उन जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उन सब के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आती हूँ, जो कि है एक गुलाब का फूल। एंड आई लव गिविंग देम अ फ्लावर बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव देम होप एंड आई वॉन्ट टू गिव देयर पेरेंट्स होमवर्क कि आप अपने बच्चों को थोड़ा और तैयार कीजिए एंड अगले साल मिलेंगे। सो आई फील लाइक एवरी चाइल्ड हियर इज़ वर्किंग ऑन देम सेल्व्स। आप सेलेक्ट हुए हो तो भी आपको अगले राउंड की तैयारी करनी है, और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो भी आपको अपने ऊपर काम करना है।